हमारी भारत भूमि के महापुरुषों ने नानक देव का संदेश। गुरु नानक देव कहते हैं कि भगवान ईश्वर मालिक हर दिशा में, जो जहां खोजता है उसको वहीं प्राप्त हो जाता है। हमारी संस्कृति में महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। संस्कृति की महानता देखना। केवल महावीर नहीं, हमारे यहां पर भैया बुद्ध कहते हैं, जन्म महात्मा बुद्ध का भारत भूमि में हुआ, पर पूरे विश्व के लोगों ने महात्मा बुद्ध को स्वीकार किया और महात्मा बुद्ध को जाना। बुद्ध कहते हैं खुशियां बांटने से खुशियां प्राप्त होती हैं। खुशियां बांटोगे तो आपको खुशियां प्राप्त होंगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं एक दीपक अगर किसी का जल जाए तो वो हजार दियों को जला सकता है, प्रकाश करा सकता है। वही हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपकी अंतरात्मा में विश्व के मंगल की कामना, जगत हित के कल्याण की कामना, आत्मबोध की कामना, आत्मनोमोक्षार्थ, आत्मा के मोक्ष की कामना, अगर अपने आप को जानने की कामना जाग जाएगी, मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम दावे के साथ तुमको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में तुम भी क्रांति खड़ी कर सकते हो। ये हमारे जीवन में जो घटित हुआ उसको हम अनुभव के साथ कह सकते हैं। मेरे प्रियजनों, भगवान हमारी संस्कृति के आराध्य श्री राम ने भी तो यही संदेश दिया। राम सेतु का वो कथा, रघुनाथ जी राम सेतु बनाते हैं लंका जाने के लिए, सबका सहयोग लेते, बानरों का, भालुओं का, सबसे पत्थर मंगवाते, सबकी भूमिका रखते। वो ब्रह्म जिसने सृष्टि बनाई, वो सेतु बनाने के लिए भी सबका सहयोग लेते। और क्या अद्भुत नाम है, उसका नाम ही है राम सेतु। राम से तो उसमें भी उन्होंने संदेश छिपाया है। जब पत्थरों को जल में डालना प्रारंभ किया तो पत्थर नल नील के स्पर्श से बहने लगे, और जब पत्थर बहने लगे ना तो अब पत्थर का पुल तब बनेगा जब पत्थर जुड़ेंगे। हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ जी या ना जी। पत्थर का पुल कब बनेगा, जब वो दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे कैसे, अब राम जी बड़ी चिंता में पड़ गए। तब हनुमान जी महाराज ने उपाय दिया, एक काम करो, एक में रा लिखो दूसरे में मां लिखो, दोनों आपस में जुड़ने लगेंगे। एक में रा दूसरे में मां का प्रयोग किया, दोनों पत्थर जुड़ने लगे और पुल बनकर के तैयार हो गया। यह संदेश भी बहुत प्यारा स्पष्ट है कि जब दो लोग जुड़ने लगेंगे तो सेतु बनेगा, सेतु बनेगा तो विश्व में शांति होगी और अपनी संस्कृति को बचाए रखने की क्रांति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियजनों, यह रामचरितमानस का संदेश, महावीर का संदेश, गुरु नानक का संदेश, महात्मा बुद्ध का संदेश, हमारे भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन काल में यही संदेश दिया। सबको प्रेम सिखाया, बंसी बजाई प्रेम सिखाया, पर प्रेम सिखाने के पीछे तात्पर्य यही बताया कि हम सबको एकता के साथ आगे बढ़ना है। तो जितने भी दुबई में रहने वाले भारतीय जन हैं, हमारी आत्माएं हैं, हम आप सब के लिए अपने सरकार से प्रार्थना करते, अपने आराध्य से प्रार्थना करते, आप सबका मंगल होवे, आप सब पर बालाजी की कृपा होवे, और खूब खूब स्वागत करते हो। हम कहते हैं आपकी जिंदगी में बालाजी की और लालाजी की खूब कृपा बनी रहे, पर उसके लिए एक ही है, हमें अपने जीवन काल में एकता के साथ चलना है। कैसे चलना है, जोर से बोलो, एकता के साथ आगे बढ़ना है। और हमारी देखो, हम रहें कहीं, ये अद्भुत जगह है, यहाँ भी रहें, जो जहाँ रहते हैं पूरे विश्व के लोग सुन रहे हैं, हम रहें कहीं, सबका सम्मान करें पर अपनी संस्कृति को ना भूलें। यहाँ के जो रहे मूल निवासी आप आए हैं, आप लोग अपनी संस्कृति को कितना अद्भुत संजय हुए हैं, लाखों लोगों में अलग दिख जाएंगे कि आप अरब से हैं, आप दुबई से हैं, आप अबू धाबी से हैं, लाखों लोगों में अलग दिख जाएंगे। अपनी संस्कृति की पहचान आपने बरकरार रखी है, वैसे ही हम आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, अपनी संस्कृति को भी आपको ऐसे ही जीवंत रखना है। और कहीं भी रहें,
किसी भी परिस्थिति में रहें अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ें और अपनी संस्कृति को अपने जीवन में लेकर के चलें।